नानी, मैं आज बताने जा रही हूँ पनीर के दो सैंडविच। ये सबसे पहले ये मैं बता रही हूँ, ये बहुत ही सिंपल है। इसमें हमें चाहिए ये चार ब्रेड स्लाइसेस, एक मैंने किनारे कट कर लिए हैं, और दो हमें चाहिए पनीर स्लाइसेस, और इसमें साथ चाहिए हमें चिली सॉस और टोमेटो सॉस। अलग अलग लगाने की बजाय मैंने दोनों को लिया इक्वल क्वान्टिटी में। और इसमें भी हमें चाहिए थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च, और थोड़ा सा ऊपर ग्रीस करने के लिए थोड़ा सा घी। बटर भी ले सकते हैं, मेल्टेड बटर भी आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, हम पनीर को मैरिनेट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं इसको। हम ये मैं घी लेके इसको हल्का सा पहले ग्रीस कर लूंगी। और इस पे थोड़ी सी लाल मिर्च स्प्रिंकल कर दूंगी, थोड़ी सा नमक, थोड़ी सी हल्दी, जस्ट पिंच, एकदम सिर्फ कलर के लिए चाहिए हमें। और इसको मैं इसी से थोड़ा सा स्प्रेड कर लूंगी। अब हम यही प्रोसेस दूसरी साइड भी कर लेंगे। मैंने घी से ग्रीस कर लिया। मैंने इधर तवा भी अपना गर्म करने के लिए रख दिया है। इसको स्प्रेड कर लिया थोड़ा। अब हम इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे, और तब तक हम अपनी ब्रेड जो है तवे पे सेक लेते हैं। इस तरह मैं घी लगा लेती हूँ दोनों तरफ से। आप बटर से सेकना चाहते हैं तो आप बटर से सेकिए, घी से सेकना चाहते हैं तो घी से सेकिए। अब ये मैंने लगा लिया, अब इसको मैं तवे पे रख दूंगी। दूसरी साइड भी घी लगा लेंगे हम। इसको हम पलट देंगे। जब इसको सेक के हम उतार लेंगे, ये दोनों तरफ से सेक गया है, तब इनको हम उतार लेंगे। तभी पे ही हम स्लाइसेस को हम थोड़ा सा सेक लेंगे। इसको टर्न करके देख लेते हैं। थोड़ा लो फ्लेम कर देते हैं। दोनों तरफ से वो सिक जाएंगे तो हम इसको फिर असेंबल करेंगे। ये हो गए हैं, इसको निकाल लेंगे। ये भी सिक गए हैं और ये हमारी ब्रेड भी तैयार है, हम पनीर भी तैयार है, इसको हम असेंबल कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम दोनों ब्रेड पर लगा लेंगे। अगर आप एक पे चिली सॉस लगाना चाहते हैं, एक पे चिली लगा लीजिए, एक पे आप टोमेटो लगा लीजिए, लेकिन ये ऑप्शन मुझे बहुत ही अच्छा लगा, टेस्टी लगा, इसलिए मैं आपको ये ऑप्शन दे रही हूँ। वरना आप इसमें एक साइड ग्रीन चटनी भी लगा सकते हैं, ग्रीन चटनी लेना चाहें, अगर ज़्यादा मिर्च नहीं खाते हैं तो ग्रीन चटनी ले सकते हैं, और एक तरफ सॉस। इसके साथ में एक्स्ट्रा सॉस की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, और ये बहुत जल्दी बनते हैं, आप इसको ट्राई कीजिए। बस अब हम इसमें इसको रख देंगे और इसको हम सर्व करेंगे। तो
फ्रेंड्स ये बनकर तैयार है, आप इसे ट्राई कीजिए। अगर अच्छी लगी मेरी रेसिपी तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। दूसरे पनीर के सैंडविच, ये चार मैंने स्लाइसेस लिए हैं, थोड़ा सा पनीर लिया है। और इसके लिए हमें चाहिए ये आधा प्याज कटा हुआ, आधा टमाटर कटा हुआ, और थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया। और हमें इसके लिए चाहिए थोड़ा सा नमक, थोड़ी लाल मिर्च और थोड़ा सा धनिया पाउडर, और ऊपर थोड़ा सा लगाने के लिए हमें घी चाहिए। और इसके लिए मैंने ये पहले सैंडविच मेकर को मैंने ये गर्म करने के लिए रख दिया है, और दो मिनट के लिए अब हम इसको मिक्स करेंगे सब कुछ। ये मैंने पनीर में प्याज डाल दिया, ये पूरा प्याज नहीं डलेगा, थोड़ा सा ज्यादा ही है, आप पनीर की क्वांटिटी के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। अब ये मैंने सब मिक्स कर दिया, थोड़ी सी अगर तीखा कम खाते हैं तो लाल अवॉइड कर सकते हैं या हरी मिर्च को अवॉइड कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा। और ये नमक स्वाद अनुसार और थोड़ा सा धनिया पाउडर। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। हमने इसको मिक्स कर लिया, अब हम इसको ब्रेड पे लगा लेंगे। और हम इसको दूसरी स्लाइस से कवर कर देंगे। इसको अच्छे से लगा लेंगे। इसको कवर कर देंगे। अब हम इसके ऊपर में घी लगाएंगे। ऊपर नीचे आप घी या बटर, आपकी जो इच्छा वो लगा लीजिए। मैं इसको सैंडविच मेकर में रख देती हूँ। इसको बंद कर देती हूँ। जब बन जाएगा इसकी अपने आप से लाइट जो है चेंज हो जाएगी। ये मैंने इसको बंद कर दिया है। फ्रेंड्स हम इसको सर्व करेंगे। इसको आप इसको कट करके इसको सॉस के साथ सर्व कीजिए।
थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी दोनों रेसिपीज अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू फ्रेंड्स.